24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा और सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी 25 जून को भी शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए नाम दिए जा सकेंगे और इसके बाद 26 जून को स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। विपक्ष ने भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावा ठोक दिया है और सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल थंबी दुरई को पद मिला था। अन्नाद्रमुक के थंबी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद मिला था। 17वीं लोकसभा में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद काफी अहम होता है। डिप्टी स्पीकर का पद सदन में ताकत का प्रतीक, सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की ताकत का प्रतीक, लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का कंट्रोल, संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान, स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का रोल अहम। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसे लेकर अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।